हेलो एंड वेलकम। दिस इज द चैप्टर नंबर 3 ऑफ वसंत, क्लास 8। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर्स हैं। तो देखते हैं कि मतलब क्या क्या इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित, यानी पता होने के बाद भी कि टायर कैसा है, होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति मन में श्रद्धा भाव बढ़ता है। मतलब कि उसे पता था कि मेरी बस कितनी खराब है, बट उसके बाद भी वो उसकी फिर भी तारीफ कर रहा था। और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, अपनी कोई पुरानी चीज भी है तो हमें उसको बेकार नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस चीज ने हमारा कोई ना कोई साथ किसी न किसी टाइम पर जरूर दिया होगा। क्वेश्चन 2 इज, कारण बताएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए, क्योंकि अगर बस खराब होगी तो रात पता नहीं रास्ते में कहां बितानी पड़ जाएगी, उसका भी कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह, डाकिन मतलब डायन को भी बोलते हैं, कि ऐसा ना हो रास्ते में जाते जाते वो बस खराब हो जाए और तुम लोगों को फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो इसलिए लोगों ने मना करा कि आप इस बस से ना जाएं। क्वेश्चन 3 इज, कारण बताएं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ, यानी ऐसा लगा कि पूरी बस ही इंजन है, मानो कि वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अर्थात यानी मतलब इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी बस के अंदर बैठे हुए हिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताएं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों? वर्तमान की स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। यानी जैसी बस की कंडीशन थी वो देखकर ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये बस कैसी है। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तब उसके हिस्सेदार ने बोला कि ये बस चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। मतलब इसको ज्यादा खतरनाक सी बस माना गया है उस चैप्टर के अंदर, कि हाँ भाई एक बस जो है ना बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है और इसके जो पार्ट्स वगैरह भी है जो उन पर लोगों को ज्यादा भरोसा है नहीं। क्वेश्चन 5, कारण बताएं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की झरझर अवस्था, यानी जो उसकी खराब कंडीशन थी, से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस का स्टीयरिंग कहीं टूट ना जाए तथा ब्रेक फेल भी हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करना तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए हुआ था। यानी असहयोग, हम लोग अंग्रेजों के किसी भी चीज का सहयोग नहीं करते, ना उनके कपड़े, ना उनके एजुकेशन, किसी भी चीज का। प्लस स्वाधीनता, यानी पूरा का पूरा स्वदेशी माल इस्तेमाल करेंगे, जो आंदोलन हिस्ट्री में देखने को मिलते, ये भी वही वाला आंदोलन है। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए,
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। यानी वो ये कह रही है बस कि भैया छोड़ दो मुझे, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब भी तुम लोग मुझे क्या कर रहे हो, घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो। नेक्स्ट पार्ट इज भाषा की बात, तो उसमें पहला क्वेश्चन है बस, वश, बस तीन शब्द है। इनमें से बस सवारी के अर्थ में, बस पर्याप्त काफी के अर्थ में, और वश अधीनता के अर्थ में होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, यानी मेरे हाथ में नहीं है, मेरे काबू में नहीं है, अब बस करो, यानी किसी को आप रोक रहे हो। तो तीन अलग अलग शब्द दिए थे जिनका तीनों का अलग अलग अर्थ था। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्दों से दो दो वाक्य बनाइए। तो पहला वाक्य वश से अगर बनाए तो आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। वश का दूसरा भगवान की करनी मनुष्यों के वश में नहीं। बस से बनाया जाए तो बस करो, कितना खाओगे, बस करो इतना ही काफी है। यानी ये वश और बस के दोनों एग्जांपल्स और दोनों वाक्य नीचे इसमें दिए हुए। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले पन्ना से। इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कि ने की से आदि वाक्य के दो शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। यानी ये संबंध बता रहे, जोड़ रहे दो वाक्यों को। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। अगर कारक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की यानी छोटी की का प्रयोग किया जाता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो कहानी में जो कुछ वाक्य है वो ये है, यह समझ में नहीं आता कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, यह बस पूजा के योग्य थी, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो 4 यहाँ पर सॉल्यूशन दिए उन्होंने कारक वाले, जिसमें की आ रहा है, ने आ रहा है, से आ रहा है और के आ रहा है। क्वेश्चन थर्ड, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना, उन्होंने उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टहलना भी घूमने के लिए ही प्रयोग किया जाता है या चलने के लिए प्रयोग किया जाता है। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है, इसका एक पहला वाक्य ये हो गया। और दूसरा चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरीके के वाक्य आएंगे आपके उसमें, और उसके आपको सेंटेंसेस पूरे पूरे बना के देने पड़ेंगे। जब वर्ड्स आएंगे उससे रिलेटेड पूरे पूरे आपको सेंटेंस बना के देने पड़ेंगे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष यानी बचे हुए के लिए और दूसरा सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए। जैसे जल, मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। तो जल यानी पहले वाला पानी और दूसरा जल यानी जलने के लिए, तो मीना यहाँ पर जो शब्द है उसमें जल 2 बार इस्तेमाल कर लिया। हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। तो पहला हार जो नेकलेस है और दूसरा हार जो है वो लूज है, ठीक है ना। ये हार वाला डायलॉग आपको गोलमाल मूवी में भी देखने को मिल जाएगा। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यह क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्या वाचक विशेषण है। महान आदमी में से किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है।
संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण और बताने हैं तो आप लिख सकते हो। संख्यावाचक में तो आप गिनती लिख दो 4, 8, 10, 5, 11, 20, और गुणवाचक में आप लिख दो समझदार आदमी, ठीक है, चांदनी रात, बलवान शरीर, इस तरीके का कोई भी एक उदाहरण लिख दो जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी की क्या गुण को बता रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, इसको आप देख सकते हो और चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो।